हेलो फ्रेंड्स, क्रिकेट विद क्रिक मुशर्रत में आपका स्वागत है। गाइज, आज जो वीडियो लाया हूँ सभी बैट्समैन के लिए लाया हूँ। और गाइज, आज जो हम इस वीडियो में बात करेंगे वो ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कभी ना कभी या ज्यादातर बैट्समैन की लाइफ में आता ही आता है। गाइज, आज मैं आपको बात करूंगा कि जब एक आप लंबा मैच खेल रहे हैं, मीन्स आप डेज मैच खेल रहे हैं, 50-50 ओवर मैच खेल रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि बॉलर एक टप्पा पकड़ लेता है जहां से कि आपको रन बनाने मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन गाइज, डेज अगर है तो ठीक है, आप खेलते रहेंगे, लेकिन लंबा समय आप वहां पे भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मीन्स वहां पे भी आप स्कोर नहीं कर, ऐसा नहीं है कि आप स्कोर नहीं करें, किसी बॉल डॉट्स खेलते हैं वहां पे भी आपको स्कोर करना है। और अगर 50 ओवर का मैच है तो एक दो ओवर तो चल सकता है गाइज, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं चल सकता। तो आज मैं आपको चार ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास आ जाए कि बॉलर एक जगह टप्पा पकड़ ले और वहां से आप रन नहीं बना पा रहे हैं, तो गाइज कैसे आपको रन बनाने, चलिए मैं आपको बताता हूं। गाइज, चार पॉइंट्स मैं आपको ऐसे बताऊंगा, एक एक करके सभी पॉइंट्स को आपको देखना है, क्योंकि गाइज अगर एक भी पॉइंट अगर आप मिस करते हैं तो आपको प्रॉब्लम जरूर आएगी और आप अपना विकेट भी दे सकते हैं, क्योंकि गाइज आपको विकेट बचाना है और बॉलर को अपना विकेट कॉलम खाली नहीं रखना, वो भी विकेट लेगा। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज पहला पॉइंट करना क्या चीज है कि अगर आपके पास आ गया तो आपके पास सबसे पहला जो तरीका आता है वो आता है लीव या डिफेंस। आपको करना क्या चीज है गाइज कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अभी अपने लेग स्टिक पे खड़ा हूं, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो भाई सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मुझे बॉल्स को डिफेंस करना है, कि मींस मुझे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, कि आपको एक अच्छा डिफेंस करना है। और अगर विकेट से बाहर की बॉल है तो आपको करना क्या चीज है गाइज, विकेट कवर करके आपको बॉल लीव करते जाना है। लेकिन गाइज ये जो पॉइंट है ये कुछ समय के लिए आपको वैलिड रहेगा, लेकिन अगर आप ज्यादा लंबे समय के लिए डेज अगर आप खेल रहे हैं तो 2 ओवर 3 ओवर 4 ओवर 5 ओवर 6 ओवर के बाद बॉलर खुद बोल हो जाएगा, क्योंकि वो भी पूरा दिन बॉल डालने नहीं आया। लेकिन अगर आप लिमिटेड क्रिकेट खेल रहे हैं, मीन्स 50 ओवर 30 ओवर 35 ओवर 40 ओवर आप खेल रहे हैं, तो आपको करना क्या चीज है गाइज, सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं कि अगर आपने एक दो ओवर लीव और डिफेंस कर लिया तो ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या चीज है गाइज, सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं कि आपको इस चीज के बाद क्या चीजें करनी है। गाइज सेकंड पॉइंट में आपको करना क्या चीज है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपको लीव करना है, डिफेंस करना है, लेकिन अगर लंबे समय के लिए बॉलर फिर भी अपनी लाइन इधर उधर नहीं करता है तो आपको करना क्या चीज है गाइज कि आपको क्रीज का यूज करना है। या तो जैसे आप ये खड़े हुए हैं या तो आप पीछे आ जाइए, उससे क्या चीज होगा गाइज, अगर गुड लेंथ होगा तो हल्का सा छोटा हो जाएगा, आप उस पर पीछे मार सकते हैं, आप उसको ये मार सकते हैं, या फिर आप क्रीज के आगे भी खड़े हो सकते हैं, मीन्स वो आपको लंबा हो सकता है। तो उससे क्या चीज होगा गाइज, जब आप क्रीज का यूज करेंगे तो क्या होगा कि बैट्समैन बॉलर को अपना लेंथ चेंज करना पड़ेगा, और जो आपको रन स्कोर करने के लिए बहुत सफिशियंट है। और गाइज ये भी चीज अगर आपकी काम नहीं करती है, कि मीन्स अगर क्रीज भी अगर आपकी काम नहीं करती है, आपने क्रीज कर दी है उसके बाद आप सिंगल्स कर रहे हैं, बाउंड्रीज नहीं आ रही है, तो गाइज आपको थर्ड पॉइंट करना क्या चीज है गाइज, आपको बॉलर से बात करनी है। क्या होता है गाइज, जब आप बैटिंग करने आते हैं तो दूसरी जो अपोनेंट टीम होती है, जो फील्डिंग टीम होती है, वो आपके साथ स्लेजिंग करती है। तो गाइज सेम चीज आप भी कर सकते हैं, ठीक है, बदतमीजी आपको नहीं करनी है, गाली आपको नहीं देनी है, लेकिन आप स्लेज कर सकते हैं कि हाँ भाई क्या हो गया, नहीं आउट कर पा रहा है, क्योंकि गाइज बॉलर भी अपना विकेट कॉलम खाली नहीं रखना चाहता, वो भी विकेट लेने के लिए आया, तो वो भी आपके साथ, जैसे कि अगर वो मान लो आपको, आप बैटिंग कर रहे हैं, वो आपको बोलेगा कि हाँ भाई बॉल नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रही है, चौका मार के दिखा, छक्का मार के दिखा, जैसे आपको गुस्सा आएगा सेम ऐसे ही बॉलर को भी गुस्सा आएगा। तो गाइज आपको बॉलर से बात करनी है, रेगुलर उसमें बात करती रहनी है, मीन्स उसको स्लेज आपको करते रहना है। और गाइज चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या चीज है, चलिए उसकी तरफ चलते हैं। और गाइज चौथा पॉइंट शुरू करने से पहले, अगर अब तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। गाइज चौथा जो पॉइंट है वो क्या चीज है कि आप जब अपने लेग स्टिक पे खड़े हैं तो आपको फेक शफल करना है, कि मींस आप ऐसे जा सकते हैं, आप ऐसे आ सकते हैं, आप ये आ सकते हैं, मींस आपको बैट्समैन सॉरी बॉलर को आपको डिस्ट्रैक्ट करना है कि देख मैं आगे चल रहा हूँ पीछे चल रहा हूँ, कि मींस उसको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करना है कि वो स्टेप आउट आगे करेगा, पीछे हट रहा है, रूम बना रहा है, या इधर जा रहा है लेग साइड में अपने लिए रूम बनाना। तो उससे क्या चीज होगा गाइज, बॉलर भी जब रनअप पे रहेगा वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, और उससे भी आपको क्या मीन्स मिलेगा, एक बैट्समैन को बहुत फायदा मिलेगा और वो अपनी लेंथ चेंज करेगा और आपको स्कोरिंग एरियाज आपके बढ़ जाएंगे। तो गाइज ये चार पॉइंट्स आपको मैंने ऐसे बताए हैं कि जिसमें एक बैट्समैन अगर ये चीजें इंप्लीमेंट करता है, जब उसके पास ये कंडीशन फंस जाती है कि वो कैसे रन स्कोर करे, मींस बॉलर ने एक टप्पा पकड़ लिया और उस टप्पे को वो नहीं छोड़ रहा, वहीं से अंदर बाहर कर रहा है, तो गाइज ये चारों पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो आपको रन बनाने में आपकी हेल्प आउट करेंगे। गाइज वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स।